नमस्कार, गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया था, बराबर। उसमें से कौन सा इक्वेशन देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या बताओ? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए, बराबर। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। उसमें ए बी और सी क्या रहते हैं? कॉन्स्टेंट, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं? दो रूट रहते हैं, बराबर। कल हमने एक चार एग्जांपल सॉल्व किया था, बराबर। अभी उसके आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेचर ऑफ द रूट बताओ। इफ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, नेचर ऑफ द रूट क्या होता है? b square minus 4ac is greater than 0. Next, b square minus 4ac is less than 0. Imaginary, बराबर। और b square minus 4ac is equal to whole square आता है तब क्या लिखना है आपको? Real, rational and unequal, बराबर। ये formula भी आपको कल लिखा है ना, formula। लास्ट प्रॉब्लम कौन सा हुआ था? देखो ये हुआ था ना प्रॉब्लम लास्ट वाला, इसके आगे का प्रॉब्लम ले लो, नोट डाउन करो प्रॉब्लम। इफ अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। बुक्स क्लोज करो सबके। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, बराबर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है, वो यूज करो। इक्वेशन क्या दिया आपको? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दिया हो गया हुआ इक्वेशन। ax square plus bx plus c equals to 0 इस फॉर्म में है क्या? देखो नहीं है तो उस फॉर्म में करके लो। उसके बाद a b c का वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बराबर। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए। दोनों फॉर्मूला यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करो पहले, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू पुट करो। गिवन इक्वेशन 2x square minus 4x minus 3 equals to 0 दिया है, बराबर। कंपेयर किससे करना है? ax square plus bx plus c equals to 0 से कंपेयर करो। a equals to क्या आता है? 2, b equals to minus 4 और c equals to minus 3, बराबर। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, बराबर। अभी पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज बी की वैल्यू क्या है? माइनस 4 ए अपॉन ए, 2 ना, माइनस माइनस प्लस 4 बाय 2 मीन्स 2, बराबर। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाय ए, सी की वैल्यू माइनस 3 बाय 2 ना। अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में पुट करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, क्या है वैल्यू? 2 है ना, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए ना,
अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस 3 बाई 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 गेट कैंसिल 2 1 2 2 1 2 बराबर प्लस कितना होगा 3 4 प्लस 3 7 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर समझ लो तो ना नोट डाउन कर लो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals then b square by ac plus bc by a square is equals to solve karo kya diya hai the sum of the square of their reciprocal root kya karo alpha aur beta consider karo alpha ka reciprocal kya aata hai 1 बाय अल्फा और बीटा का 1 बाय बीटा उसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है मतलब 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखना है द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट मींस अल्फा प्लस बीटा करो रूट्स क्या कंसीडर किया आपने अल्फा एंड बीटा बराबर सम मतलब क्या करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल उसका 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर ये सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो गया आंसर अल्फा प्लस बीटा यहां पे एज इट इज लिखो इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर इनटू 1 क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू 1 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्लियर यहां तक उसके बाद अल्फा प्लस बीटा मींस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए है इज इक्वल्स टू अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर मींस मैं ऐसा लिखता हूं अल्फा इनटू बीटा ब्रैकेट स्क्वायर बराबर अभी इसमें अल्फा प्लस बीटा यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है अपने माइनस बी बाय ए लिखा है एलएचएस साइड में यहां पे ध्यान दो माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर बराबर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा का फार्मूला सी बाय ए डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा स्क्वायर मतलब सी बाय ए स्क्वायर सी बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर अभी इसको सॉल्व करो से c by a को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2c by a आ गया फाइनल आंसर हां 2 बताओ माइनस b by a अक्षर इधर माइनस b by a इज इक्वल्स टू माइनस b by a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा आंसर b square upon a square minus 2 into c मतलब 2c by a divided by c square upon a square यहां तक क्लियर है सबको next minus b by a as it is लिखो अब यहां पे देखो क्या करना है आपको cross multiplication करना है b square into a क्या हो जाएगा b square a minus a square into 2c 2 a square c divided by a square into a
आ जाएगा बराबर, होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, अभी इसमें कॉमन क्या निकलता है देखो, ए कॉमन निकलता है, ए कॉमन बी स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट बी स्क्वेयर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए क्यूब बराबर। अब ये डिवीजन का क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या हो जाएगा इनवर्स बराबर, मतलब ए स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अभी यहाँ का ए कैंसल, यहाँ का ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू ए, ए क्यूब और डिनोमिनेटर का ए क्यूब क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? ए इंटू ए स्क्वेयर और ए क्यूब गेट कैंसल, बी स्क्वेयर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर। अभी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल एच एस को क्या है हमारा, माइनस बी बाय ए। अभी फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस बी इंटू सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए से बी स्क्वेयर माइनस टू ए सी को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ए बी स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर सी बराबर। अभी क्वेश्चन में देखो, बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पूछा है। अभी किससे क्या करना है देखो, माइनस ए बी स्क्वेयर एज इट इज, ये माइनस बी सी स्क्वेयर राइट हैंड साइड ले लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये माइनस टू ए स्क्वेयर सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लो क्या हो जाएगा, प्लस टू ए स्क्वेयर सी। ये समझ में आया? अभी इसको डिवाइड करो, किस चीज से डिवाइड करना है आपको, ए स्क्वेयर सी से डिवाइड करना है, किस से, ए स्क्वेयर सी से डिवाइड बाय ए स्क्वेयर सी, डिवाइड करो ए बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर सी इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वेयर सी बाय ए स्क्वेयर सी। कैंसल क्या क्या होता है देखो, यहाँ का ए और ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म कौन सा, बी स्क्वेयर बाय ए सी। क्लियर, प्लस सी और यहाँ का स्क्वेयर कैंसिल हो गया, मतलब बी सी बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यहाँ का राइट हैंड साइड का ए स्क्वेयर सी कैंसल, रिमेनिंग टर्म टू। आपको क्या पूछा है, बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वेयर, एल एच एस साइड आ गए, बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आता है आंसर, टू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू ब्रैकेट पी प्लस फोर एक्स प्लस टू पी प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, द वैल्यूज ऑफ पी विल बी, इक्वल रूट्स मीन्स बी स्क्वेयर माइनस फोर इज ए सी इज इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व करो, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस पी प्लस फोर एंड सी इक्वल्स टू टू पी प्लस फाइव, बरोबर ना। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस फोर एक्स प्लस टू पी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोई पिशेंट वन है, ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस पी प्लस फोर है बराबर, और सी इक्वल्स टू टू पी प्लस फाइव। क्लियर है यहाँ तक? अभी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, यहाँ पे क्या दिया है देखो, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मीन्स द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल मीन्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो कंसिडर करना है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस फोर ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस फोर एज इट इज, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू टू पी प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, माइनस का स्क्वेयर क्या होता है, प्लस आता है बराबर। अभी पी प्लस फोर ब्रैकेट स्क्वेयर मतलब पी स्क्वेयर प्लस एट पी ना, एट पी प्लस सिक्सटीन माइनस फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट पी
माइनस प्लस माइनस 4 पाइजा 20 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 8p माइनस 8p गेट कैंसल, पी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 20 माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू प्लस 4, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 4, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, देयरफॉर पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आर रियल। रियल मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा है सेम, पहले इक्वेशन लिख लो, x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1x प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, बराबर। कंडीशन क्या दिया है आपको, रूट्स आर रियल, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखना है, 0 लिखना है, बराबर। अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 2p माइनस 1 और c इक्वल्स टू p स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करो, 2p माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2p माइनस 1 स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बराबर। प्लस 4p माइनस 4p स्क्वायर कैंसल, माइनस 4p प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 4p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 1 का क्या हो जाएगा, माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसल, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, ऑप्शन नंबर है सुप्रिया है ए और सी, ऑप्शन नंबर C is the correct answer. इसको नोट डाउन करूंगे, इतना इतना होशियार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x इज इक्वल्स टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इज इक्वल्स टू 0, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर, x इज इक्वल्स टू m दिया है आपको, x के जगह पे m पुट करके सॉल्व कर सकते हो, गिवन क्या दिया है आपको, x इज इक्वल्स टू m, इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल्स टू 0 है, बराबर। अभी x के जगह पे m पुट करो, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इक्वल्स टू 0, सॉल्व करो इक्वेशन आगे, ऑप्शन थ्रू भी जा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व करो, 5m माइनस m 4m, बराबर। उसके बाद 2 कॉमन निकालो, 2m कॉमन निकालो, वन रूट क्या आ जाएगा, 0 आएगा, दूसरा रूट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दो यहाँ पे, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m प्लस 4m इज इक्वल्स टू 0, बराबर। इसमें से कॉमन क्या निकलना है आपको, 2m कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2m इक्वल्स टू 0 और m प्लस 2 इक्वल्स टू क्या जाएगा, 0, मतलब m इज इक्वल्स टू 0 बाय 2 मीन्स m इक्वल्स टू 0, वन रूट क्या मिल गया, 0, और दूसरा रूट m इज इक्वल्स टू प्लस 2 का क्या हो जाएगा, माइनस 2, बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर B, 0 and minus 2 are the root of the given equation. Next question. If
एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो देन द वैल्यूज ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यू क्यूब बिकम्स, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला है आपके पास। पहले इक्वेशन लिख लो, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा प्लस बीटा मतलब पी प्लस क्यू और अल्फा इंटू बीटा मीन्स पी इंटू क्यू। माइनस टू बरोबर है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो बराबर, यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वन, बी इक्वल्स टू टू और सी इक्वल्स टू वन बराबर। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको बराबर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए ना फॉर्मूला, माइनस टू बाय वन इज इक्वल्स टू माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाय ए, वन बाय वन इज इक्वल्स टू वन, क्लियर यहां तक। तो इसके आगे अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर है फॉर्मूला। अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस टू क्यूब माइनस थ्री एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा वन एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस टू, सॉल्व करो, माइनस टू क्यूब माइनस एट माइनस थ्री माइनस टू प्लस थ्री टू जा सिक्स माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लिहून घ्यायला येणार आहे मागचे, कंटाळा आलाय का नाही ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इफ एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू जीरो एंड एल एम एन आर रैशनल्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है करो, रियल एंड इक्वल सॉल्व करो इक्वेशन। असं तुक्का मारून आला की जाणार बघा, एक दहा मारला की किती मार जाणार, अडीच मार जाणार। निगेटिव्ह मार्किंग आहे याला, लक्षात असून दे। LHS निकालना है आपको, सिद्धार्थ काय रे क्या दिया आपको, L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू जीरो दिया है बराबर। अभी इक्वेशन देखो, यहाँ पे M प्लस N माइनस L, एन प्लस एल माइनस एम और एल प्लस एम माइनस एन दिया है बराबर। पहले दो टर्म ले लो, एम प्लस एन का वैल्यू फाइंड आउट करो, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू जीरो, इसके एल प्लस एम प्लस एन बरोबर इज इक्वल्स टू काय दिलाय तुम्हाला, जीरो दिलाय, याच्यावरून काय करा, एम प्लस एन एन प्लस एल आणि एल प्लस एम याची वैल्यू फाइंड आउट करून घ्या। पहले ब्रैकेट में क्या है, एम प्लस एन माइनस एल है बराबर, एम प्लस एन का वैल्यू क्या आता है इससे,
माइनस एल आता है बराबर। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, एन प्लस एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस एम। क्लियर। नेक्स्ट एल प्लस एम इक्वल्स टू माइनस एन। अभी जो ये वैल्यू आपने निकाला है वो उसमें पुट करो, इक्वेशन लिखो, एम प्लस एन माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एन प्लस एल माइनस एम एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन इज इक्वल्स टू जीरो, इसमें पुट करो। एम प्लस एन मीन्स माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एन मीन्स माइनस एम एक्स प्लस एम मीन्स माइनस एन इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस एल माइनस टू एल एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एम माइनस टू एम एक्स प्लस माइनस एन माइनस टू एन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। अभी इसमें देखो, माइनस टू एल एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस टू एम एक्स माइनस टू एन इक्वल्स टू जीरो। इसमें से माइनस टू क्या करो, कॉमन निकालो। माइनस टू कॉमन निकालने के बाद क्या जाएगा आंसर, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन ना एन इक्वल्स टू जीरो बराबर। अभी माइनस टू को राइट हैंड साइड लेने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर। रिमेनिंग टर्म्स कौन सा, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको, अभी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला यूज करने का। हाँ, अभी इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई, एल हो गई बराबर, बी इक्वल्स टू एम और सी इक्वल्स टू एन। अभी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू, बी स्क्वेयर मीन्स एम स्क्वेयर माइनस फोर, ए मीन्स एल और सी मीन्स एन बराबर। अभी आपको एम की वैल्यू पता है क्या, नहीं ना। अभी एम की वैल्यू फाइंड आउट करो ये पहले वाले इक्वेशन से, इक्वेशन ये में से एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस एल माइनस एन ना, ये यहाँ पे पुट करो, माइनस एल माइनस एन ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस फोर एल एन। उसके बाद अभी माइनस बाहर ले लो, एल प्लस एन ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस फोर एल एन। एल प्लस एन का स्क्वेयर क्या आता है, एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस टू एल एन ना, टू एल एन प्लस एन स्क्वेयर माइनस फोर एल एन। क्लियर। नेक्स्ट एल स्क्वेयर प्लस टू एल एन माइनस फोर एल एन माइनस टू एल एन प्लस एन स्क्वेयर। अभी ये जो फाइनल आंसर मिला ये किसका स्क्वेयर है, एल माइनस एन ब्रैकेट स्क्वेयर बराबर। अभी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या आ गया, होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर मीन्स रूट्स आर रियल एंड बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू होल स्क्वेयर रियल एंड रैशनल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
काल बघितलं आहे ना आपण रूल, बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी इज इक्वल टू सिक्सटीन आला, हा तर काय येणार, सिक्सटीन हा काय आहे, परफेक्ट स्क्वेअर आहे बरोबर. आता इथं काय आलं, तुमचा स्क्वेअर आलाय ना, समजलं काय, म्हणजेच काय असणार आहे, रिअल अँड रॅशनल. असे क्वेश्चन विचारले तर एवढा वेळ देऊ नका, काय लास्टला बघायचे असे क्वेश्चन. झालं, समजलं काय, परत सांगू रे, समजलं आदित्य, झालं. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. इफ अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, देन व्हॅल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वेअर बाय बीटा मायनस बीटा स्क्वेअर बाय अल्फा इज. ऑप्शन नंबर काय, पण पाहिजे काय, कितवा क्वेश्चन आहे तो, डी आहे बघा. यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वेयर बाय अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आता है बराबर. आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है. अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ श्रावणी का है, प्रेम सांगरी हो गया, साइन चेंजेस करायचे फक्त, मायनस आहे तिथं, मगाशी प्लस होतं तिथं मायनस, मायनस आहे तिथं प्लस, बाकी काही नाही. विनायक झाला, क्वेश्चन रॉंग आहे काय, क्वेश्चन चुकीचा आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला, हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय मिळालं आन्सर, अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा बरोबर. गिवन इक्वेशन x square is equals to x plus 1, comparing with x square plus bx plus c equals to 0, x square minus x minus 1 equals to 0, clear, a equals to 1, b equals to minus 1 or c equals to minus 1, बराबर. अभी आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वेयर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वेयर बाय अल्फा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अल्फा स्क्वेयर प्लस, सॉरी अल्फा स्क्वेयर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर. अभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा. अभी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा इंटू बीटा पता है आपको बराबर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ डी बाय ए, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेना है.
डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। b का वैल्यू क्या है, माइनस वन, माइनस वन स्क्वेयर, माइनस 4 × 1 इंटू माइनस वन, बराबर माइनस वन स्क्वेयर वन, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, d इक्वल्स टू 5, बराबर। अभी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू डी बाई ए, मतलब आयु बाय वन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आयु आ गया आंसर, अल्फा माइनस बीटा का, बराबर। अल्फा इंटू बीटा का आपको पता है कैसा निकलना है, अल्फा इंटू बीटा कैसा निकलना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, सी की वैल्यू माइनस वन बाय वन इक्वल्स टू माइनस वन। अभी ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, क्या है तुझे डी है मगर डी ऑप्शन। पुट कशामध्ये करायचे समजलं ना, हे बघा इक्वेशन वन देतो मी इथं, हाँ सिद्धार्थ, अल्फा स्क्वेअर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वेअर बाय अल्फा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा आ गया। अभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा आपने, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा है, बराबर। अभी इसमें देखो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया आपने, स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव, स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा मीन्स 3 × -1, बराबर। और अल्फा माइनस बीटा मीन्स स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव, क्लियर, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा माइनस वन है। अभी स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव का क्यूब कितना आता है, स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव मीन्स हाँ फाइव रूट फाइव, रूट फाइव का कितना टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, 3 टाइम्स करना है, बराबर। रूट फाइव इंटू रूट फाइव √25, हाँ उसका रूट क्या आता है 25 का 5 आता है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, 5 स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1, बराबर। इसमें कॉमन क्या है, रूट फाइव मतलब 5 - 3 टू रूट रूट फाइव आ जाएगा डायरेक्ट। कॉमन टर्म कौन सा है, स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव, 5 - 3 मतलब क्या आ जाएगा, 2 √5 माइनस डिवाइडेड बाय -1 है ना, म्हणजे काय येणार या ठिकाणी, -2 √5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ते समजाले काय, जर झालं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इफ पी इज नॉट इक्वल टू क्यू एंड पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5p - 3 एंड क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q - 3, द इक्वेशन हैविंग रूट्स एज पी बाय क्यू एंड क्यू बाय पी इज, दोनों इक्वेशन सेम है
यहाँ पे देखो पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5p-3 दिया है, और यहाँ पे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5q-3। ओनली वेरिएबल चेंज है, कौन सा भी एक इक्वेशन ले लो और सॉल्व करो। क्या बनाना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यूज करो फॉर्मूला। रूट्स दिए हैं आपको, कौन से रूट्स दिए हैं? पी बाय क्यू दिए रूट्स। ऑप्शन सी आता है, देखो सॉल्व करो। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का पी स्क्वायर प्लस सेंस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला वो ट्राई करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला यूज करा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट का एलसीएम फंक्शन पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू वाला, बराबर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब इसका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, बराबर। और अल्फा प्लस बीटा कैसा फाइंड आउट करते हैं तुम्हें? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इक्वेशन आए तुम्हारे वरती पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5p-3, 5p-3 लेफ्ट हैंड साइड लगे क्या होना? पी स्क्वायर माइनस 5p+3 होना, बराबर। त्याच्या वरून ए बी सी च्या वैल्यू फाइंड आउट करा, पहिल्या ए बी सी वैल्यू फाइंड आउट केला त्याच्या वरून अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए फाइंड आउट करा। अल्फा इंटू बीटा म्हणजे 3 इंटू क्यू, अल्फा इंटू बीटा म्हणजे सी बाय ए, सी ची वैल्यू काय आहे ठिकाणी? +3 आहे, 3/1 म्हणजे 3 येणार, ती वैल्यू त्याच्यामध्ये पुट करायची। काय चाललंय विमान? सॉल्व करा रे, सॉल्व करा पूरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स, बराबर। रूट्स कौन से? पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय पी।
इक्वल्स टू क्या है, 0 है बराबर। अभी एक्स स्क्वेयर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पी इंटू पी, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी क्यू एक्स प्लस, यहाँ पे देखो क्यू क्यू पी पी कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अभी इस इक्वेशन में आपको पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर मतलब क्या है, पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2PQ बराबर डिवाइडेड बाय पी क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये कहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है देखो आपको, पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5p माइनस 3 है बराबर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो, क्या जाएगा, पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 5 और सी इक्वल्स टू 3 बराबर। अभी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए माइनस एज इट इज माइनस 5/1 इक्वल्स टू 5 बराबर। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी बाय ए 3/1 इक्वल्स टू 3। अभी ये अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया इक्वेशन में, पी प्लस क्यू आया है बराबर, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा 5, और अल्फा इंटू बीटा मतलब पी इंटू क्यू कितना है 3 है। अभी ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर माइनस 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 ना, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या आता है देखो आंसर, पी अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है बराबर, मतलब न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x² माइनस 5² 25 माइनस 6 कितना आता है, 19 आता है ना बराबर, माइनस 19x प्लस 1 × 3 3 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, शिव कुमार समझा लेंगे, छोड़ो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, क्या कंटा आ रहे हो, हाँ लूंगा नोटबुक आता है क्या, नहीं कर सका लूंगा ला, हाँ व्यवस्थित लूंगा जरा सुट सुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1√ 5x² प्लस 13x प्लस p इक्वल्स टू 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ p इज, टू रूट्स कौन से कंसिडर करने का, अल्फा और बीटा, उसमें से एक रूट क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अभी अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा ले लो, नहीं तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/अल्फा ले लो, कौन सा भी ले लो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा कंसिडर करो रेसिप्रोकल, अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। अब इक्वेशन है आपके पास, हाँ क्या आ गया आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी मतलब पी किस में आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले में, अल्फा इंटू बीटा में आ जाएगा बराबर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पे इक्वेशन क्या है देखो, 5x² प्लस 13x प्लस पी इक्वल्स टू 0 है बराबर, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है बराबर। इसके बाद क्या करना है आपको, ए इक्वल्स टू 5 बी इक्वल्स टू 13 और सी इक्वल्स टू पी बराबर। अभी बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसकी वैल्यू पूछे आपको p की वैल्यू, p मतलब क्या c, c कौन से फॉर्मूले में आता है, अल्फा इंटू
बीटा में आता है बराबर। अभी आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ऊपर कितना आ जाएगा, कंडीशन क्या दिया आपको, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना बराबर क्या। अभी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 ए बराबर। सी का वैल्यू पी और ए का वैल्यू क्या है, 5 ए, देयर फोर पी इक्वल्स टू आंसर 5 ना। इजी है क्या उगड़ने, समझ लो ना कस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गो थ्रू ऑप्शन, चौगा ने चार ऑप्शन करा रहे। ऑप्शन ए ट्राई करा, ऑप्शन बी है बी ट्राई करो मैं। नेक्स्ट की जगह पे 1 -1, 2 और -2 पुट करके देखो, वन पुट किया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू सी एज इट इज प्लस 2a - b - c प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी, ऑल टर्म कैंसिल होती है क्या उसमें वन पुट करने के बाद। -1 इज द करेक्ट आंसर, पुट एक्स इक्वल्स टू -1, ए प्लस बी माइनस टू सी, एक्स स्क्वेयर मीन्स -1 स्क्वेयर प्लस 2a - b - c, एक्स मीन्स -1 प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इक्वल्स टू 0 बराबर। अभी -1 का स्क्वेयर क्या आएगा, 1, मतलब ऑल टर्म एज इट इज। यहाँ पे देखो अभी प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस ए बराबर, -2 - -2a + b बराबर क्या, प्लस सी प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस माइनस -2a प्लस 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 बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इक्वल्स टू 0, कौन से टर्म कैंसिल होते हैं देखो, ए प्लस ए 2a, 2a - 2a हाँ टर्म कैंसिल, बी प्लस बी 2b माइनस टू बी कैंसिल, नेक्स्ट 2c प्लस सी प्लस टी 2c, ऑल टर्म्स कैंसल, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, 0 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या,
इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस एम इज इक्वल्स टू जीरो एक्सीड्स द अदर बाय 4, देन द वैल्यू ऑफ एम इज ऑफ द इक्वेशन क्या कंसीडर करना है, अल्फा एंड बीटा कंसीडर करो। एक्सीड मीन्स क्या करना है, प्लस करना है क्या माइनस, बोला लाइक करे मगर रूट्स अल्फा और बीटा कंसिडर किया, अल्फा एंड बीटा एक्सीड्स द अदर बाय 4, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 4। सॉल्व करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी गिवन इक्वेशन में ए बी सी फाइंड आउट करो, इक्वेशन क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 है बराबर। इसमें ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 8 और सी इक्वल्स टू एम, क्लियर यहाँ तक। अभी आपको क्या निकालना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है बराबर। एम किस में आता है, सी में बराबर, मतलब सी कौन सा फॉर्मूला में आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या है, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन वन में है देखो, बीटा प्लस 4 है वो पुट करो वहां पे, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 4 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी, सी कितना है एम डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए ना, माइनस माइनस 8 और सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मतलब 8 आ गया। अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, अल्फा की वैल्यू पता है क्या है, अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस और प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8 बराबर। बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 का क्या हो जाएगा माइनस 4, 2 बीटा इज इक्वल्स टू कितना 4 ना, और बीटा इज इक्वल्स टू 4/2 मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अभी ये बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, एम की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 प्लस 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है इज इक्वल्स टू एम, 2 प्लस 4 6, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एम, एम इज इक्वल्स टू 12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ लो कैसा करेगा, जरा कॉम्प्लिकेटेड आए क्या, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसमें से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और उस बीटा की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो। बस तुम कितनी प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो यहीं से। तुम्हें लिंग गया कि नहीं दाखवा जरा। काय करायचं रे गाइस, कंटिन्यू करूया। झालं श्रावणी, नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्या। द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, एक्स की जगह पे कौन सा वैल्यू आता है पुट करके देखो। ऑप्शन थ्रू भी जा सकते हो, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करो। इक्वेशन सॉल्व करो। गिवन इक्वेशन 7x प्लस 2p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35xp प्लस 117p स्क्वायर है, बराबर। अभी 7 एज इट इज लिखो, x प्लस 2p ब्रैकेट स्क्वायर ये सॉल्व करो, क्या आ जाएगा आंसर, x स्क्वायर प्लस 4xp बराबर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, माइनस 35xp माइनस 117p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 28xp प्लस 7 इंटू 4 28p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर माइनस 35xp माइनस 117p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद 7x स्क्वायर एज इट इज 28xp माइनस 35xp क्या जाएगा आंसर, माइनस 7xp बराबर। 28p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर 33 ना,
33 पी स्क्वेयर माइनस 117 पी स्क्वेयर करो, 117 में से 33 माइनस करो, माइनस 84 पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो। अभी इसमें से क्या कॉमन निकालना है आपको, 7 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स पी माइनस 12 पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो। अभी 7 राइट हैंड साइड लेने के बाद क्या हो जाएगा, 0/7 आ जाएगा, मतलब 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स पी माइनस 12 पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, बराबर। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, माइनस 12 एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर, बराबर, और एडिशन माइनस एक्स पी। फैक्टर्स क्या आते हैं, 4 एंड 3, बराबर, 4 3 जा 12, साइन प्लस 4 या माइनस 4, माइनस 4 और प्लस 3, बराबर। अभी वेरिएबल कौन सा यूज किया है यहाँ पे, एक्स पी एक्स पी, एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिखो, माइनस 4 एक्स पी प्लस 3 एक्स पी माइनस 12 पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या निकालना है, एक्स एक्स माइनस 4p, बराबर क्या, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में भी x माइनस 4p, यहाँ पे कॉमन क्या निकालना है, 3p कॉमन निकालो, नेक्स्ट x माइनस 4p और x प्लस 3p इक्वल्स टू 0, x माइनस 4p इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3p इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 4p का क्या आ जाएगा, प्लस 4p आ जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 3p का माइनस 3p। ऑप्शन में देखो 4p और माइनस 3p कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विनायक क्या समझा ले क्या, शिव कुमार प्रेम कह रहे, लास्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो। The solution of the equation 6x by x plus 1 plus 6x plus 1 divided by x is equals to 13. Go through option. LHS में x की value put करो.
ऑप्शन थ्रू जाओ, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर निकालो, एक्स की वैल्यू पहले 2 और 3 फुट करके देखो, उसके बाद 3 और -2, ऑप्शन ही आता है कि नहीं? हाँ, एक्स की जगह पे 2 फुट करके देखो, फैक्टर सिद्धार्थ का है। ये सगळे ऑप्शन ट्राय करू पर्यंत सॉल्व होते इक्वेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करू। दी जय माता दी। सॉल्व केला, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 फुट करने के बाद एलएचएस कितना आता है? 13 आता है। उसके बाद -3 पुट करके देखो, 13 = 13। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।